करंट अफेयर, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम। पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी में शोक पुरस्कार मिला। ठीक है, यह पुरस्कार सरकार के साथ साथ राज्य के सभी 2 करोड़ महिलाओं के लिए एक मान्यता है। पश्चिम बंगाल में सीएम कौन है? यहाँ की ममता बनर्जी। गवर्नर हैं डॉक्टर सीवी आनंदा बोस। लोक नृत्य लाठी है, गंभीर है, धाली, यात्रा, ये सभी। और लोक नृत्य ये सब है, यात्रा, बाउल, प्रसन्ना, शेषाद्री। विश्व पहली चैंपियनशिप में 11 साल की कोशिश के बाद भारत का पहला रजत पदक जीता। गुड मॉर्निंग। WPC एक वैश्विक प्रतियोगिता है जहां राष्ट्रीय टीमें सबसे तेज समय में संख्यात्मक और दृश्य पहेली को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। अदाड़ी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुजरात में मुद्रा में देश में सबसे बड़े वीड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की। टर्बाइन मुद्रा विंडेटेक लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया, जो अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा निगमित पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिल्ली सरकार ने शहर भर में 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इन क्लिनिक में सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी और वे केवल 12 साल की कम उम्र के बच्चों को महिलाओं को इलाज करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सीटू स्लम पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3024 नवनिर्मित फ्लैटों को उद्घाटन किया। भारत में सबसे बुजुर्ग मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की आयु में हिमाचल प्रदेश निधन हो गया। श्री नेगी जो चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर थे, ने अंतिम बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 2 नवंबर को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया। रिलायंस इंडस्ट्री ने कीवी काउम को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। केवी कामत को रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए एक स्वतंत्र निदेशक और गैर कर्मचारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया